विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इसी बीच राउज रेवेन्यू कोर्ट ने आज 36 करोड़ रुपए की संपत्ति की खरीद में कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने उन्हें 1,00,000 रुपए के मुचलके पर रिहा करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, लेकिन उन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं है और संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। महाराष्ट्र चुनाव का प्रचार प्रसार चल रहा है, ऐसे में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा औरंगाबाद की दोनों सीटों पर AIMIM के दोनों उम्मीदवार कामयाब होंगे और जनप्रतिनिधि बनकर यहां की जनता के सबसे बड़े मुद्दों को उठाएंगे। यहां पीने के पानी की समस्या सबसे बड़ी है, गरीबों के पास घर नहीं है, रोड की समस्या है, ऐसे बहुत बड़े मुद्दे यहां पर मौजूद है। चुनावी प्रचार में जुटे कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने नागपुर में एक चुनाव प्रचार के दौरान डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी। कन्हैया कुमार के इस बयान पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने तल्ख टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस की पत्नी इंस्टाग्राम रील बनाए और हम धर्म बचाएं, इस बयान पर अब सियासी बवाल मच गया। साथ ही उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में एक चरण में 20 नवंबर को मतदान किया जाना है, 23 नवंबर को चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे पर कहा कि बटेंगे तो आपके पॉकेट कटेंगे, ये हटेंगे तो दाम घटेंगे, ये हमारा नारा है। पवन खेड़ा ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि फडणवीस रूठे हुए फूफा जी हैं जो अमित शाह से नाराज चल रहे हैं। सीएम सिद्धारमैया ने खुद दावा किया है कि कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस चलने वाला है, इसके तहत भाजपा उनकी सरकार गिराने वाली थी। सीएम के बाद अब डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने भी सिद्धारमैया का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने वास्तव में 50 कांग्रेस विधायकों को 50-50 करोड़ रुपए का लालच दिया था और पार्टी में आने को कहा था। टोंक एसडीएम से कथित मारपीट मामले में और राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई कि एक एसडीएम को थप्पड़ मारा गया, उनकी ऐसी हरकत करने की हिम्मत कैसे हुई, भाजपा को विपक्ष के सुझावों के प्रति कोई सहनशीलता नहीं है, इस वर्ष राज्य सरकार ने क्या किया है, जब लोगों में डर नहीं होता तो वे कानून अपने हाथ में ले लेते हैं, यही स्थिति आज पूरे प्रदेश में है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दावा किया कि चरमपंथी महिलाओं को बुर्का पहनने के लिए मजबूर कर रहे हैं और हिंदुओं की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। उन्होंने मदनी ओवैसी और अन्य नेताओं पर देश में भय और आतंक भड़काने का भी आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा ये महिला सशक्तिकरण का वर्ष है, दुनिया के इस्लामिक देशों में इसका विरोध चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार की पार्टी एनसीपी को शरद पवार की छवि का इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दिया। एनसीपी एससीपी केरल के अध्यक्ष पीसी चाको ने चुनाव प्रचार के लिए शरद पवार की तस्वीर का उपयोग करने पर अजीत पवार गुट को चेतावनी दी और कहा कि अगर वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करते हैं तो परिणाम गंभीर होंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अजीत पवार की पार्टी एनसीपी को शरद पवार की छवि का इस्तेमाल न करने के आदेश पर केरल एनसीपी एससीपी के अध्यक्ष पीसी चाको ने कहा महाराष्ट्र में ये बहुत दिलचस्प स्थिति है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वायनाड से दिल्ली लौटते ही प्रदूषण की समस्या से परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि दिल्ली का प्रदूषण हर साल बदतर होता जा रहा है, हमें एक साथ बैठकर इसका समाधान निकालना होगा। उन्होंने कहा कि हमें वास्तव में इस पार्टी या उस पार्टी से परे हटकर एक साथ मिलकर स्वच्छ हवा के लिए समाधान ढूंढना चाहिए। एमसीडी में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, कांग्रेस पार्षद सबीला बेगम ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया है। सबीला बेगम ने अपने इस्तीफे में कहा है मेयर चुनाव से दूर रहकर हम भाजपा का समर्थन नहीं कर सकते, फिलहाल एमसीडी में मेयर का चुनाव जारी है।